ताल से ताल मिला रे। हेलो गाइस, जय हिंद। इस वक्त मैं अपने मंदिर बोले तो कोचिंग पर हूँ और आज होली है। मेरा जो गांव है वो यहाँ से 45-50 किलोमीटर दूर है। मैं इस वक्त दरभंगा बिहार में हूँ, दरभंगा सिटी में। तो मुझे गांव जाना था लेकिन मैं नहीं गया। उसकी खास वजह ये है कि जो कुछ बाहर से बच्चे आए हुए हैं वो गांव नहीं जा सके, अपने घर वापस नहीं जा सके, बिकॉज दे आर वेरी कमिटेड, सिंसियर एंड डेडिकेटेड। तो मुझे लगा कि मैं भी यहीं रह जाऊं तो ज़्यादा बेटर होगा होली में, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे बाहर से हैं, कुछ आसपास के डिस्ट्रिक्ट से भी हैं, बहुत सारे चले भी गए होली मनाने लेकिन कुछ बच्चे रह गए। तो मैं सोचा मैंने कि होली है चूंकि, तो एक छोटा सा लाइक गेट टुगेदर हो जाए। तो यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट होटल वगैरह हैं सारे बंद हैं होली की वजह से, तो इनको इनवाइट किया। और जैसे ही मैं यहाँ आया कोचिंग में, तो इन्होंने सबसे पहले, मुझे लगता है 7-8 साल के बाद मैंने होली खेली है। और जो लोग मुझे जानते होंगे उनको मालूम होगा कि मैं नहीं खेलता हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे पूरा जो है ये भूत बना दिया है, भूत बना दिया है। वैसे ये लोग खुद ही भूत बन चुके हैं पहले ही। और मैं आपको अब लिए चलता हूँ यहाँ और दिखा, यहाँ पर देखिए ये अपना क्लासरूम है। हम यहाँ पर चप्पल जूता कुछ भी अंदर नहीं लाते हैं, ना कोई बच्चा ना टीचर कोई भी लेके नहीं आता। तो ये जो जगह है ये सेफ है, सिक्योर है, नीट एंड क्लीन है। तो जो परंपरागत भारतीय जो है प्रथा, जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो ये सारे बच्चे नीचे बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। हेलो मुकेश, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज मुकेश कुमार। ओ माय गॉड, ग्रेट। और ये विशाल हैं। मुकेश आप कहाँ से हैं? फ्रॉम सिवान। अच्छा, सिवान से, वेरी गुड। एंड ये विशाल है। विशाल आप कहाँ से हैं? लातेर, झारखंड। और ये हैं नुरुल। नुरुल भाई आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम सुल्तानपुर यूपी। अच्छा, सुल्तानपुर यूपी, ग्रेट। और ये हैं जेम्स। जेम्स बॉन्ड। अच्छा, झारखंड। अरे जैसे ये चटनी हटाइए, तो कल जो आप लोगों ने मुझे बहुत बना दिया है ना वो दिख रहा है, गिरेगा। और आगे हैं हितेश। यस, आई कम फ्रॉम सहरसा। अच्छा, सहरसा लंदन। नो, अच्छा सहरसा बिहार। और ये हैं अपने कानू भाई, बोले तो कन्हैया पाटीदार। हेलो व्यूअर्स, एज यू नो दिस, माय नेम इज कानू पटेल एंड आई एम फ्रॉम झालावाड़ बिहार। झालावाड़ इज सिचुएटेड नियर द एमपी एंड गुजरात बॉर्डर। अच्छा, एमपी गुजरात। यस सर। लेकिन हैं आप राजस्थान से? यस सर। वेरी गुड, आई एम फ्रॉम राजस्थान। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। ये हैं सत्यजीत जी। यस सर। आप सत्यजीत जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यजीत है सर, आप नाम बोल दिए। अच्छा, नाम बोल दिए। हाँ। आप यहीं से हैं, दरभंगा? हाँ। से। तो सत्यजीत चूंकि आए थे दिन में इन बच्चों से मिलने, तो मैंने कहा कि जब आप, चूंकि ये भी अपने गांव नहीं गए, दरभंगा से ही हैं ये, दरभंगा से या मधुबनी से? दरभंगा से, मनीगाछी। अच्छा, मनीगाछी दरभंगा से। तो मैंने इनसे भी कहा, कानून से, कि इनको भी बोलिए कि रुक जाए। हाँ। और ये है सरगना जिसने मुझे भूत बनाया है। इनका नाम गोरा है, सॉरी आर्या सर, राइट। और तो ठीक है दोस्तों, शुरू करिए, खाना खाइए, फिर बात भी करते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको सामने, अभी फैन ऑन कर रहे हैं। इनका मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि बाहर जो लाइट बोर्ड है इनको 6 बजे ऑन करना था और अभी तक ऑफ था। जी खाइए आप लोग। अच्छा एक काम करिए ना, आप उसमें प्लेट में दही वाला निकालिए एक में, और लाल मोहन उसी में सबको दे दीजिए। क्या बोलते हैं, गुलाब जामुन? आई हैव नो आइडिया। स्पून से दीजिएगा। हाँ कंप्लीट वन खा दिया सर। माय होम टाउन इज सो फार फ्रॉम हियर, सो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आफ्टर आई फेल्ट दैट माय होली इज गोइंग टू बी वेरी ग्रेट, बट ड्यूरिंग द डे टाइम आजाद सर कॉल्ड मी, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट कनु हाउ आर यू डूइंग राइट नाउ, देन आई टोल्ड टू सर दैट सर वी आर अलोन इन आर हॉस्टल, so sir made the plan, sir made the plan for us and he decided and he told us that you are to you all guys that are in your hostels you are to gather in the coaching institution and we will do some fun there and celebrate Holi with you and sir also told me that
आर्य सर ने भी यही बोला कि हम जो है नहीं जाएंगे गाँव, जब आप रहेंगे तो हम भी रहेंगे इन बच्चों के साथ। कहलो नमस्कार, ई सब बच्चा बुतरुक और अहाँ के हम 5 साल के बाद होली खेलों, एकर जे श्रेय जाइए से पूरा ई बच्चा बुतरुक सबके। ठीक बजलिए? हाँ सर, बिल्कुल सही बजलिए। ठीक, राइट। ई नूरुल बाबू सुल्तानपुर अवध से, और जे गीत गाबै छिए कि होली खेले रघुबीरा अवध में, तो वो दरअसल इंस्पायर्ड है अवध से। तो ये जो नुरूल है ये अवध से आते हैं, राइट ब्रदर? गुड। जोड़ना चाहूंगा जी, ये मिथिलांचल के इलाका से, अवध और मिथिलांचल के तो त्रेता युग से संबंध रहे हैं। हाँ, ये बात इन्होंने सही कहा कि दरअसल अवध और मिथिलांचल का रिश्ता, जो सीता जी थी वो मिथिलांचल से थी और जो श्री राम थे वो अवध से थे, हाँ। तो उनकी शादी हुई थी मिथिलांचल, क्योंकि जो ये पूरा जो एरिया है ना, ये जनकपुर, इसका पूरा सेंटर है नेपाल में, जनकपुर। हाँ। ये है कानू पटेल हमारे साथ, और ये भाई साहब कंफ्यूज रहते हैं कि मैं गुजरात से हूँ कि एमपी से हूँ कि राजस्थान से हूँ। वैसे ये राजस्थान से हैं और ये तीनों कल्चर, इनफैक्ट पंजाबी ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और उम्मीद है कि आने वाले 100 दिन के बाद ये इस कल्चर को भी जान जाएंगे जहाँ रही वो हैं। और ये हैं जेम्स वांड। जेम्स हाय, हेलो जेम्स पापुर झारखंड। और ये हैं हितेश सहरसा लंदन। अच्छा सहरसा, ठीक। और ये हैं मुकेश, आप सिवान से जी, नटवर लाल के पड़ोसी हैं आप? नहीं, नटवर लाल ही उसी जिले में थे। हाँ हाँ, वो तो मालूम है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। और ये हैं विशाल। यस सर, आप लाते हैं। अच्छा, और ये गोरा सर हैं आप? गोरा। अच्छा, ठीक है, तो वेरी गुड। पहले यहाँ पे जब मैं नहीं था तो इन्होंने काफी मस्ती करी, उसकी वीडियो देख लीजिए। ताल से ताल मिला रे बबुआ, बाजे झोले मृदंग, मन से मन का मेल जो हो तो रंग से मिल जा। भाई मालूम है मेरी राय।
जब मैं आया तो इन लोगों ने मुझे भूत बना दिया, मुझसे थोड़ा सा कम नुरुल को भूत बनाया और उससे थोड़ा सा कम विशाल को और जेम्स को, और गोरा सर खुद भूत बन गए वहाँ पे पीछे बैठे हुए हैं। तो बच्चा पार्टी, आप लोग अपने घर से बहुत दूर हैं, कैसा फील हो रहा है? हाँ विशाल, नेटिव लैंग्वेज, हाँ नेटिव लैंग्वेज में बताइए आपको कैसा फील, कैसा फील हो रहा है? सर शुरू में जब हम रूम में थे तो हमको लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज समझ में आ गया, लोकल लैंग्वेज, हम बहुत खराब लग रहा था आपको सर, दिस टाइम में लग रहा है इन माय अच्छा हिंदी डायलेक्ट, हिंदी की डायलेक्ट। तो सुबह जब हम थे तो बहुत घर का याद आ रहा था, एवरी टाइम हम जब काम भी कर रहे थे कॉल सेंटर, तो कॉल सेंटर तो बिना परमिशन लिए हम घर चल गए थे होली के लिए। जब आया तो वहाँ मैनेजर पूछा काहे चल गया था, कहा था हम बोलते हैं लोकल, हाँ ये है लोकल एक्स, काहे चल गया था, तबियत खराब हो गया था, हम डैड बोलते तबियत खराब, हम जा रहे तो लगता तबियत किसी दिन खराब होगा। अब दूसरा हम जा रहे बेटा तू सिंह खाने गया था ना, उसके बाद सर आलू इतना ही किलो रहा था, आज भी लग रहा था समोसा, आज भी लग रहा था ट्रेन देखे आप फिर चल रहे आज भी लग रहा था। फिर दिन में फिर सत्यजीत है, सत्यजीत भैया फिर वहाँ थोड़ा बहुत लाल लाल खेले नहाए हुए, तो फिर हाँ नहाए हुए हैं ये है लोग, उसके बाद कानू भैया से गए कि बोले कि क्लास अटेंड करने जाना है, तो इस वजह से तो बोले देख रहे हैं मोबाइल में कॉल आया आपका, तो आपको कॉल किया तो बोले कि आना है लेकिन शाम में आना है, फिर हम लोग आए, उसके बाद जो मस्ती हुआ ना सर उसको तो लगता है कभी नहीं भूल पाएंगे इस होली को। अच्छा वो आपने वीडियो देखी लिया जो मस्ती हुआ उसका, वो कभी नहीं भूल पाएंगे ऐसा हो गई। तो सिंघारा खाते हैं? यस खूब खाते हैं। अच्छा बढ़िया है। ई जेम्स, जेम्स भाई संथाली में जोहार, जो तक जोहार जी, हम सब पाकुड़ झारखंड पर नोडल कहते हैं ये, मतलब थोड़ा आई मीन जुदा जो एक तरह में इसका नोडल कहते हैं थोड़ा इन मतलब अकेला नहीं बिचे था ना, मैंने खान लगभग 6-7 बजे ब्रेक कहते हैं जो दिशा जो करना अपना ओडा रे आतु देहत रे इन दिशा करना नोडल गति को मिला को है मालिकान को लोगों का फोन है जो करना, तो इन लोगों का फोन अटेंड हो रहा भावना जी के तरह चलते संगीत में लिया, तो उन्होंने बोले फर्स्ट तो बहुत रिसीव ला उनका कॉल की आपको दैट नोडल को लोकल कोड़ा गति कोड़ा जी नाम का पाए मारे उनको साथ फोन बड़ा जब के पाने को हेड को इंटे तो थोड़ा कम मजो ये गया था। इसके बाद मोटामोटी 1 बजे का सर इंफॉर्मेशन को मैं ले दिया, बोले सर खोज के कोचिंग क्लास रख, तो वे चला करते बोले पसंद थोड़ा कम करना प्रोग्राम लिखा मैंने करा गति को ले दिया, देन वे हेना कोचिंग ते नोड़े गति को हज करना माडी तो रसक दिशा के बोले बाकी बोले ओरिजिनल मिनिजा अतर के उनका आयोग और साथ ही आजाद सर मेरा नहीं था जहाँ चिंता कथा के बाद कर ग्रेट फीलिंग विथ माई टीचर अद आजाद सर सहाय कर उन्हीं आज ओते बांग सेन करते आले साथ रे बिता बिता समय और आले एकला बाय बुचू ले बोले संगी को पहन करा मेंते तो मचा तो गुड है मसा। अच्छा एक बात बताइए, आप जब आए थे तो आपने कहा कि जो माता जी आपकी काफी परेशान थी, तो अब आपकी उनसे बात हुई? यस सर बात की है, बता दिया सर, तो अब क्या उसको बता दिया कि अच्छा लग रहा है उनको और आप जैसे सर हैं तो फिर चिंता करने की कोई आपको जरूरत नहीं। यस सर दोस्त एकदम यू हैव गॉट अ ग्रेट कंपनी। यस सर ये बच्चा अलग रहता है, ही आई हैव टोल्ड हिम कि आप भी जाइए एंड एक तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप राइट उसमें जितने भी बाहर के बच्चे उनको ऐड करो और जो यहाँ भी जो अच्छे जो जिनको इंटरेस्ट है लाइक ही इज इंटरेस्टेड सेंस के तो आप लोग ऐड करके ग्रुप बनाओ और कंपल्सरली देयर यू गाइस गो टू डोनेट। बी थैंकफुल टू द गॉड that the God has given you this wonderful opportunity. Yes, because yes, without His permission, one cannot move even. Yes, yes. To be thankful for the every moment and उनको शुक्रिया अदा करो और तुमने एक ग्रुप बनाया और
एक जबरदस्त ग्रुप बनाओ, एक मिसाल होनी चाहिए, राइट? यस। तो ऐसा काम जरूर कर लो प्लीज, क्योंकि वो दैट इज रियल लर्निंग। यस ठीक है। तो अब मात्र तुम सब गेटिंग दिस ना? यस। तो अब माता जी खुश हैं? यस सर। ठीक है, खुश हैं। चलिए बहुत अच्छा, सुबह बात की तुमसे। अच्छा, तो बच्चे अब भी करे होंगे अभी, बता दिया आपके बारे में, तो चलो ठीक है, अच्छा जगह में दे। फिर कानू जैसे पार्टनर मिले, सत्यजीत भाई जी लोग कर रहे हैं, फिर यूपी से नुरुण भाई, नुरुण भाई, तो लगता नहीं कि हम लोग इनको बिहार से ही मानिए, लग नहीं रहा कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं, सब लग रहा है कि तुम एक ही परिवार से बिलोंग कर, ऐसा फील हो रहा है। वैसा आप कहीं भी जाएंगे ना भारत में, इस बार की मैं गारंटी देता हूँ, आप कहीं भी जाइए, आप सुदूर अंडमान निकोबार में चले जाएंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, आप कहीं भी जाएंगे आपको अच्छा लगेगा, पंजाब जाइए, हरियाणा जाइए, गुजरात जाइए, राजस्थान जाइए, कहीं भी आप जाइए, बिहार में जाइए, आपको अच्छा फील होगा। तो नुरुल भाई का कहत है पूरे नहीं मिलते जुलते का कहत है भोजपुरी में का कहत है ये भोजपुरी में सर हमारे तरफ हाँ स्पीक इन आप भी हाँ बोले बोले लेट इज ट्राई इफ समबडी इज वेरी आउट स्पोकन ही हैज नो हेजिटेशन ओनली देन इट इज गुड टू गेट कॉन्फिडेंस ओवर लैंग्वेज लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे ना अब स्टार्ट क्लास स्टार्ट होने वाला है फिर हम सोचेंगे अब चले गए चाहिए एक टाइम में सीखेगा कुछ करेगा तो फिर नहीं आए उसके बाद यहाँ के बाद जब से यहाँ आए तो 10 दिन हो गए हम कहीं और हुए और बट लेकिन भाई बहुत अच्छा फील होता है कैसे कि यहाँ जितने भी दोस्त हैं हमारा सब एकदम फैमिली मेम्बर की तरह है पूरा तो ऐसे नहीं लगते नहीं लागत कि जो है कि हम कौन बाहर आवाई और सब एकदम बहुत खास दोस्त हैं सब हमारा शुक्रिया तो नूर भाई ये हैट्रिक मारते हैं सर हैट्रिक के बारे में कभी बोलिंग हैट्रिक में सर हैट्रिक नहीं ना सर नहीं अच्छा और कोई कोई बोले हैं कि अपने क्लास आवत हैं कभी कभी नहीं आवत हैं कभी कभी शादी ऐसा कोई बात नहीं रहा सर ऐसे पहले जो ना छोटे लड़का एक शादी रही गोपालगंज में अच्छा अच्छा उनका जाए पड़ रहा घर नहीं गवा रहे घर ही नहीं गवा रास्ते से वापस आ गए नहीं सर गांव हम गांव गवा रहे ना वो शादी के बाद पता चला है वापस घर ही नहीं गए हाँ मतलब घर है मतलब सुल्तानपुर सुल्तानपुर नहीं गए नहीं गए अच्छा गोपालगंज से सुल्तानपुर के कई किलोमीटर सर वहाँ से 350 किलोमीटर सर दूरी को बारे में तो हियाँ से सुल्तानपुर 500-600 किलोमीटर होंगे यस सर सर यस सर 550 किलोमीटर यहाँ से है सुल्तानपुर 550 किलोमीटर यहाँ से गोपालगंज अच्छा मुकेश जी आप बहुत बहुत शुक्रिया बेटा बोली हमारा नाम मुकेश का हम सिवान से बने हाँ हाँ ई देखा आज होली मार बहुत अच्छा लगा हाँ बोलिए कैसा फील करता है बहुत अच्छा फील करता है बहुत अच्छा फील करता है अच्छा तो राहुल घर से पहली बार निकला था या तब कि कहीं और गए बार नहीं पहली बार पहली बार तो कैसा फील करता मारो नाम कन्हैया है पर लोग मैं जो है कानू पटेल के नाम से जाने ठीक है तो 27 फरवरी के दिन मैंने फीस जमा करवा दी थी
आर्यन सर के नहीं मैंने बात करी थी, देर आर्यन सर ने मुझे बताई थी कि ये ऑनलाइन की ये फीस है, पर एक तारीख के दिन मैं पता लगी कि सर जो है ऑफलाइन बेच शुरू करवाता है। तो फिर मैंने आर्यन सर मैसेज करियो कि आर्यन सर मुँह जो है ऑनलाइन क्लास नहीं लूँगा और ऑफलाइन क्लास लूँगा और मुँह जरूर रहूँगा। तो जब मैं पता लगी कि ऑफलाइन बेच शुरू हो वालों है तो मैंने सगला में हैंड टू हैंड टिकट बुक कर दी मारो और कोई भी नहीं बताई मैंने कि मुँह कहीं करवा वालों है कहाँ जा वालों है। और उनके बाद में टिकट बुक करने के बाद में जब घर पे गयो और तब और मैंने सारी प्लानिंग कर ली, उसके बाद फिर मैंने जाके घर वाला ने बताया कि मुँह मामा जा वालों है। तो घर वाला ने जो मैं बताया कि जी काम में तू लगे तो कोई उन्हें काम को कहीं होगा फिर। तब मैंने वो मैंने की घर वाला है कि मुँह मैनेज कर लूँगा सब काम है। और 6 तारीख के दिन मुँह वहाँ से निकलियो बारह घर से और उनके बाद में 9 तारीख के दिन दोपहर होता होता मुँह यहाँ पे पहुँच गयो। ये आते से ही किस्मत वालों है कि मुँह अनी कोचिंग का गेट पे सर मिल गया और सर को मैंने डिस्कशंस किया, सर मुँह यहाँ लेके आया और मुँह एक परसेंट भी पता नहीं लगी कि कोई टेंशन ही नहीं हुई मतलब कि कहाँ रह लो कहाँ नहीं रह लो। सर ने मानो जो एक मोटो भाई है यहाँ पे हितेश सर सर ने हितेश से कॉल लगायो कि हितेश यहाँ आओ ठीक है, हितेश कोचिंग पे आयो और हितेश मुँह अड़के साथ में लेके गयो ठीक है। वहाँ जाके फिर मुँह रेवल आ गयो, उनके बाद से मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली कंटिन्यू और मैं इंग्लिश सीख पा छाल तो मोनी कहा सब कुछ छोड़ छोड़ा के यहाँ पे आ गयो। अब आज भी बात आज की तो आज कहीं हो कि मैंने कल ही घर वाला फोन लगा दिया था कि मुँह अकेलो है कोई भी इनको नहीं मारा सागे तो कोई भी मारा फोन मत लगा देते कल ठीक है, ताकि मैं याद नहीं आएगी था लोगान की। और घर वाला ने मारे फोन भी नहीं लगाया उसके बाद में दिन भर से मुँह बहुत बेकार फील कर रहे थे कि कसा कहीं दिन निकलेगा और ऊपर से सर ने 3 दिन की छुट्टियाँ और दे दी तो मुँह तो 3 मिनट ही मार लिए गणा पड़ा रहा था 3 दिन तो ऐसा लग रहे तो मतलब कि आना से बात कर रहे तो मुँह यार 3 दिन कसा निकालना अभी बहुत गलत हो गया अपने साथ में। तो 3 दिन की छुट्टी मतलब अपना बेकार नहीं जमा देनी, अपना बहुत शानदार तरीका से प्रैक्टिस करनी। तोड़ा लोगान के साथ में गयो और माया सर ने एक प्रेजेंटेशन दियो तो उनकी मन आया कि काफी जो भी हेल्प हो सके वो करी हेल्प, आना से पूछी ये चीज एडिट करो या चीज एडिट मत करो आप लोग या सारी चीज ऐसा बोलो ऐसा मत बोलो। उसके बाद में मैंने खुद ने भी मारो प्रेजेंटेशन तैयार करियो क्योंकि मैं टाइम पास भी कर लो तो उनके साथ में। उसके बाद में जान पूछ के मुँह सो गयो, ज्यादा थोड़ा बहुत खा पी के जान पूछ के सो गयो ताकि मारो दिन खत्म हो जाए जैसा तैसा करके। लेकिन मारे पास जो ना आर्यन सर को भी फोन आयो और आजाद सर को भी फोन आयो और फिर आजाद सर ने मुँह की कि भाई था सब लोग आने या कोचिंग पे आना है ठीक। उनके बाद में मैंने सब लोग से बातचीत करी और मेन लोग यहाँ पर आया तो मुझे सोच रहे तो नहीं कि मारी होली घड़ी बेकार होली है तो वह होली मारी बेकार बिल्कुल भी नहीं हुई और जिंदगी भर के लिए एक यादगार होली बना दी सर ने। और सर ने की ने माने सर ने नहीं की बट सर ने जो है पहला से प्लानिंग करके रख रखी थी कि खानो जो है रोटी था लोग आने मुँह खवाऊंगो ठीक है, जो था लोग आने मार कर कोचिंग में आऊँ ठीक है और सवाने आओ आओ था लोग आने और मैं यहाँ पे आया। और उनके बाद में माने वीडियो रिकॉर्डिंग की, माने गाना भी गाया, माने कुछ शायरियाँ गई और बिल्कुल अब असल आ गए जैसे कि मैं बिल्कुल घर पे ही है, घर से बिल्कुल भी दूर नहीं है ठीक है। ओके थैंक यू खम्मा गणेश खम्मा गणेश जी। मोटो भाई हितेश अच्छा मोटो भाई अपन कही हो कहीं जल्दी जल्दी हमारा नाम हितेश जी, हम सहरसा में थनवाड़ में सहरसा में थनवाड़ में रहे छे। हमें 7 तारीख सर के यहाँ कॉल लगे रहे तो सर बोल रहे दरभंगा में आब जे है तो दरभंगा तो 8 तारीख हम दरभंगा अलिए सर से कॉन्टैक्ट करिए रहे आर्यन सर। जब सर अल तो हमारा विश्वास ही नहीं बने कि सर हम यूट्यूब में देखलिए रहे 2019 में हमारे विश्वास ही नहीं रहे सर हम मिल गलिए रहे। तब सर से कॉन्टैक्ट भले रहे तब सर अर्जुन भाई के कॉल लगेलक और कॉन्टैक्ट करल के रूम खोज लिए रहे तो वहाँ पर रह गलिए तक वहाँ रह लगलिए तकर बाद फिर आए हमरा बहुत घर के याद आबे रहो मर भोर में मम्मी को कॉल लगे थे मम्मी तब नहीं कॉल उठेल के मर अभी बात भले अभी लागल पूरे रिलैक्स भाग गलियो। और सर 3 दिन छुट्टी कह दिल और हमरा लागे कि अब कना हमरा अबे
पूरे दिन दे हाथ पूरे दर्द करे लागल पढ़े आर लागल मन नहीं कना छुट्टी भाग लेत शाम करे लगे हम मर जा शाम में जे सर शाम में जे कोचिंग कोचिंग वाले तब पता चल गेल नहीं हम आई एम पढ़ लियो तब तब और शांत भाग गलियो आप लागल छु मैं आप पूरे विश्वास भाग लो थैंक यू सत्यजीत हम सर से लॉकडाउन के दौरान कॉन्टेक्ट कने रहिए लेकिन उस समय उनका मैसेज के लिए मैसेंजर पर उस समय कोचिंग बंद चलिए और सर से हम पूछने चलिए कोचिंग के नया बैच कहिया स्टार्ट होते हैं तो सर कहलखिन जे इस साल शुरू नहीं होगा अगले साल और सर हमारे कुछ दरभंगा के ख्यातिपद शिक्षक सब के नाम सजेस्ट कर देने चुके हैं ओतः जाकर सीख सके फिर एहि साल जखन सर अनाउंस कलखिन हम इंतजार में छी जे कोचिंग के ऑफलाइन बैच खुले या नहीं खुले सर के ब्लॉग देखै छलिए हम देखलिए सर के साथ तरह तरह की समस्या भऽ गेल छलै फिर हम इंतजार में छलिए हमरा ओसे जे कोचिंग एतय खुलते या फिर नोएडा में खुलते कियाकि दरभंगा में सर के एक्सपीरियंस बहुत ठीक नहीं छै लेकिन जब अनाउंसमेंट भेलै जब मार्च में कोचिंग खुलि रहल छै फिर सर तऽ हमरा बहुत बढ़िआँ लागल और फिर हम फोन कऽ कऽ और फिर 10 तारीख समय पर और आई जे छै आइ होली के दिन हम गाम नहीं गेलिए हमरा नॉर्मल छै क्या को फेस्टिवल में गाम नहीं जाइ छी और एबेर बहुत बढ़िया लागल हम सुबह सुबह उठलिए ओहिके बाद जेम्स से मिललिए जेम्स के संगे अपना रूम पर गेलिए और तब तो हम आराम से बैठे की दे रहलिए मैगी वैगी बना के खेलिए फिर आबि गेलिए फिर हितेश और कानू से भेंट केलिए और फिर दोपहर में एक जगह हमारा इन्विटेशन छै ओतय आंटी के यहाँ ओतय गेल छलिए और फिर सुत रहल छलिए तो फिर हमरा कानून के फोन आयल दिन जे आना है कोचिंग पर और साँझ में आबिकऽ कोचिंग पर बहुत मजा अयलै और एत देश के अलग अलग संस्कृति के देख कर एक लगे से मिनी इंडिया के तौर पर हम पहले होली सेलिब्रेट कर रहे थे बहुत बढ़िया लगा। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा वाई क्योंकि मैंने दरअसल 8-10 साल यूँ कहकर तो मैंने 12-13 साल से होली खेलना मैंने लगभग छोड़ ही दिया था तो घर में थोड़ा बहुत मुझे कलर बस यूँ ही गुलाल लगा दिया जाता है सर पे और ऐसे ही लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था लेकिन आज बहुत दिन के बाद मैंने सोचा ऐसे ही बच्चे यहाँ पे अकेले हैं तो आ जाते हैं इनके साथ लेकिन ये लोग फुल मस्ती में थे इनको देखिए मुँह हाथ धो के आ गए हैं मुकेश जी तो इन्होंने मुझे भूत बना दिया और फिर मैंने इन लोगों को गुलाल लगाया नहीं लेकिन हाँ शायद सर पे लगा दिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक यू वेरी मच लोचा पार्टी और हम यही चाहते हैं कामना भी करते हैं आप लोगों के लिए कि आप सभी यहाँ पर आए हैं कुछ सीखने तो केवल अंग्रेजी नहीं जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि जो आपकी जिंदगी है ना बहुत ही बहुमूल्य है राइट ये किसी एक चीज के लिए नहीं बनी है ये बहुत सारी चीजों के लिए बनी है और आई मीन बहुत सारी चीजों को ग्रास्प करने के लिए अच्छा बनने के लिए अच्छा करने के लिए बनी है तो उस बात को समझिए और मनुष्य का जो जीवन होता है ना ये बहुत अच्छा माना जाता है बहुत अच्छा माना जाता है तो वो आप सभी आए कहाँ से ये मायने नहीं रखता है मायने यही रखता है तो मुझे अच्छा इसलिए भी लगा कि ये जो भी बच्चे हैं ये सभी अच्छे बच्चे हैं संस्कारी हैं मेहनत करते हैं बस एक मुकेश हैं जो बोलना नहीं चाहते हैं मुकेश एक बार बोलिए हेलो हेलो ठीक है तो मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस अब हमारे साथ जेम्स बॉन्ड हैं जो कि बहुत अच्छा गाना गाते हैं जेम्स हम चाहेंगे कि आप एक गाना सुनिए स्कूल के टाइम हाँ जेम्स जेम्स कम ऑन स्कूल के टाइम सर हाँ सर एक और हाँ पूरी कर एनी अदर सॉन्ग यू कैन सिंग स्कूल के टाइम पे इस टाइम ड्राइव करो बट अगर आधा ओके सॉरी कोई दूसरा योर बेस्ट सॉन्ग ये सर एक और संथालिस गाना है सर जो हम लोग अपना देश को डेडिकेट किए हैं इस तरह का गाना कुछ पंक्ति इस तरह कुछ पंक्ति इस तरह देशभक्ति गाना देशभक्ति भारत हमारे देश के ऊपर डेडिकेट किया गया है गाना
भारत देश मुताबुन जन्म तो आतारे सिरजन नेल नेल नेलो सूरज लेवे भारत देश मुताबुन जन्म तो आतारे सिरजन नेल नेल नेलो सूरज लेवे तनाले लायल कहनला नन नयने नेल तबुन तारे नाड तो फाइनली ऑफ द कैमरा भी हमने बहुत सारी बातें की, बहुत मजा आया। मैं स्टिल अभी भी भूत बना हुआ हूँ। ये बच्चे तो अच्छे खासे हो चुके हैं और इट वॉज रियली वेरी नाइस, राइट बच्चा पार्टी? हमने बहुत सारी बातें करी, समाज के विभिन्न मुद्दे, खासतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और खास तौर पे शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या कहते हैं दहेज प्रथा पे, इसमें हमने बहुत सारी बातें करी, अलग अलग बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, राइट बच्चा पार्टी? सीखने को मिला। हाँ, और अब मेरी होम मिनिस्ट्री का कॉल आ रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा, राइट? ऑल द बेस्ट, राइट नरुल, सत्यजी, मुकेश, गुड। जय हिंद, जय भारत।